Om Buddha everyone, I hope you all are doing fine. So today we'll talk about emotional healing during a breakup phase. जब भी दो लोगों के बीच में कुछ मन मुटाव होता है या फिर रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एंगर और एग्रेशन क्रिएट होता है आपके अंदर. इसी एंगर और एग्रेशन के साथ बहुत सारे ट्रिगर्स भी एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि उस रिलेशनशिप के ब्रेकअप से पहले बहुत कुछ आपके साथ ऐसा हुआ होता है जिसने आपका ब्रेकअप करवाया. जैसे कि जो भी आपके एंगर के इश्यूज, एग्रेशन के इश्यूज आपको इस समय आ रहे हैं वो क्यों हैं, वो ट्रॉमास क्यों क्रिएट हुए हैं आपके अंदर, उसके रीजंस बहुत सारे हैं, उसके ट्रिगर्स बहुत सारे हैं. तो आज कुछ ट्रिगर्स पे बात करते हैं. पहला ट्रिगर अगर देखा जाए तो इंसल्ट. उस पर्सन ने आपकी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहकर इंसल्ट करी है, चाहे वो पब्लिकली करी हो, चाहे वो आपके साथ रहकर करी हो, आपके सामने इन पर्सन करी हो, बट आप बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और इंसल्ट के बहुत से ट्रिगर्स क्रिएट हो चुके हैं आपके अंदर. सिमिलरली आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया है रिलेशनशिप में अंदर, तो उसके ट्रिगर्स क्रिएटेड हैं. देन आपके साथ ऐसा आपको लगा है कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है रिलेशनशिप के अंदर, तो उस बिट्रेयल के भी ट्रिगर्स आपके अंदर क्रिएट हो जाते हैं. इसी तरह इग्नोरेंस के ट्रिगर्स, अनलव्ड फील करने के ट्रिगर्स, अनकेयर्ड फील करने के, या फिर सेल्फ एस्टीम एकदम डाउन हो गई है आपकी, उसके बहुत सारे इस तरीके के ट्रिगर्स आपके अंदर क्रिएट कर दिए गए हैं, या फिर आपने खुद क्रिएट कर लिए गए हैं क्योंकि आपके साथ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं उस खराब रिलेशनशिप के अंदर. अब वो रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गया है, आपसे दूर चला गया है, बट ये सारे इमोशनल बैगेजेस ऑलरेडी आपके साथ एसोसिएट हो चुके हैं, जो कि आपके अंदर एंगर, एग्रेशन, आपके अंदर डिप्रेशन और एन्जाइटीज क्रिएट कर रहे हैं. अब किस तरह से इनसे डील किया जाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये जो पेन्स हैं ये आपको फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा हार्म करना शुरू हो जाते हैं एक लेवल पे आकर, जब आप इनके साथ डील नहीं करते हैं, जब आप इनको अपने सिस्टम से बाहर थ्रो नहीं करते हैं. तो सबसे पहला वे है कैथारसिस करने का. अपने जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको बाहर निकालिए किसी भी फॉर्म में, चाहे वो लिख कर निकालिए, चाहे बोल कर निकालिए, चाहे किसी से कंसल्ट करिए, किसी से काउंसलिंग लीजिए, किसी भी तरीके से अपने मन को खाली करिए. अगर आप किसी से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो उन इमोशंस को अकेले बैठकर लिखिए. जब तक लिखिए जब तक आप अंदर से आपका मन खाली नहीं हो जाता. आप चाहें तो उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो के थ्रू उसको बाहर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेंट आउट दोज नेगेटिव इमोशंस. जो भी आप फील करते हैं उसको बाहर निकालिए. बाहर निकालने से आपके अंदर का सिस्टम खाली होता है, आपके वो नेगेटिव इमोशंस बाहर निकलते हैं. चाहे इसके लिए आपको चिल्लाना पड़े, चाहे बंद कमरे में आपको लाउडली शाउट करना पड़े, बट उस एग्रेशन को, उस एंगर को अपने सिस्टम से बाहर निकालिए. आप चाहें तो इस केस में एक्सरसाइजेस का भी सहारा ले सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप कैथारसिस में कर सकते हैं. अपनी बॉडी को स्ट्रांगली शेक कर सकते हैं. इस तरह से आपका सिस्टम खाली होना शुरू होता है. कुछ दिन तक ऐसा करके देखिए. और कुछ प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, इस तरह की प्रैक्टिसेस अपने डेली रूटीन में भी लेकर आइए. अब एक बहुत प्यारा सा मैं फोक शायर आपको देने जा रही हूँ जो आपको इमोशनल हीलिंग में वर्क करेगा, और ये है ट्रेनलेस कोर्स. इट इज ट्रेनलेस कोर्स. फॉर द वन लास्ट टाइम आई विल रिपीट इट, इट इज ट्रेनलेस कोर्स. इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि क्या है, कैसे आपको इसको प्रोनाउंस करना है, ये तो आप सीख चुके हैं, और ये कैसे स्पेल करा जाता है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो आप इसका सहारा लीजिए. जो भी आपके ब्रेकअप की फीलिंग्स हैं, ग्रीफ की फीलिंग है, बुरा लगने की जितनी भी फीलिंग है, ये आपको इमोशनल हीलिंग देना स्टार्ट करेगा. इसको 51 टाइम्स आप चैंटिंग करिए और इसके रिजल्ट्स शुरू से डे वन से ही आने शुरू हो जाते हैं. इट इज़ ट्रेनलेस कोर्स. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये फोक शायर आपकी ज़रूर हेल्प करेगा. आई होप कि आपकी इमोशनल हीलिंग जल्दी से हो. और यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने हार्ट चक्रा को हील करना शुरू करिए और यम मंत्र की चैंटिंग करते जाइए, ताकि आपकी इमोशनल हीलिंग भी साथ साथ होती रहे. थैंक यू सो मच. ओम बुद्धा.